हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो यूपी पुलिस 49,568 पदों का रिजल्ट जारी होने के बाद जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया वो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, और जो लोग इंतजार कर रहे हैं DBPST के एडमिट कार्ड का, तो उनका इंतजार खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको पूरी जानकारी इसी वीडियो मिलेगी। और सबसे पहले आप सभी को बता दें, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी पुलिस रिलेटेड पल पल की अपडेट सीधे आपको इसी चैनल के थ्रू आपके मोबाइल और आपके घर तक प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल ऑल इंडिया स्टूडेंट की तरफ से आप सभी को 100% ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड की जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऑफिशियली क्या आया है, कि क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे ले जाने आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया वो क्या करें। तो फ्रेंड्स, अगर जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया उनके लिए मैं बता देता हूँ, उसके बाद DBPST के लिए मैं बता दूंगा कौन से डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और DBPST में क्या क्या डॉक्यूमेंट में लगाना होगा। तो आप सभी को बता देते हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, अगर अगर उन्होंने अपनी कार्बन कॉपी जो वहाँ पे एग्ज़ाम दे के आए थे, वहाँ पे ज़्यादातर एडमिट कार्ड जिनके थे वो एडमिट कार्ड वहाँ पे सबमिट करा लिए गए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जिनके भी यहाँ पे आंसर की, मतलब जो है आंसर की वो कार्बन कॉपी है, ठीक है, आंसर की जो आपकी आ चुकी है रिवाइज आंसर की, उससे मिलान कर लीजिए। मतलब आपके जितने भी क्वेश्चन सही हैं, जितने भी नंबर आ रहे हैं, और यहाँ पे जो जिनके यहाँ पे नंबर शो होंगे, मतलब यहाँ पे जितने 1,23,000 समथिंग जितने भी अभ्यर्थी पास किए गए हैं, अगर उनके नंबर से ज़्यादा आपके नंबर आ रहे हैं तो आप पक्का 100% भर्ती बोर्ड तक जाइए, वहाँ पर अपनी बात रखिए। आप बताइए कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये बात हो गई, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो थोड़ा सा वेट कर लें, और जब तक नंबर नहीं शो हो रहे हैं यहाँ पे, रॉ नंबर आपके यहाँ पे शो किए जरूर जाएंगे जिनका सिलेक्शन हो गया, उन्हीं के बेसिस पे आप भी देख लीजिए कि आपके कितने नंबर हैं, कि जनरल कैटेगरीज में कितने पे सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं यहाँ DBPST के लिए क्या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आ गए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ हम आपको देने जा रहे हैं वो 100% ऑथेंटिक है। आप सभी को बता दें कि ये डॉक्यूमेंट आपको 100% ले जाने ऑफिशियली आ चुका है, ठीक है। जब आपके DBPST के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे तब आपका यही चीज़ आपके DBPST के एडमिट कार्ड के पीछे आएगा। तो आप सभी को बता दें, एग्जामिनेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए। यहाँ पे दो डायमेंशन भी दे रखी है और दो फोटोग्राफ भी बोला है, लेकिन आपको यहाँ पे दो फोटोग्राफ की जगह 5 फोटोग्राफ ले जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे घटे नहीं बस बढ़ जाए, मतलब यहाँ पे आपकी 2 से कम फोटो ना हो, मतलब 5 आप मिनिमम लेके जाइएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंटेड यहाँ पे होना चाहिए, प्रिंटेड आपका एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। अगर जिसके पास नहीं है, जिनके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, तो वो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनको क्या करना है, उनकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको ले जाना है, और वो भी गेजेटेड ऑफिसर के यहाँ पे सिग्नेचर होने चाहिए। जितने आप ये डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे सब में गेजेटेड ऑफिसर के यहाँ पे सिग्नेचर होने चाहिए। अब आप सभी पूछेंगे गेजेटेड ऑफिसर ऑफिसर क्या होते हैं, तो आपके अगल बगल जो कोई भी MBBS डॉक्टर हो या कोई भी मतलब CA हो, तो उससे आप यहाँ पे साइन जरूर करा लीजिएगा। जो भी आपके यहाँ पे फोटो कॉपी या जेरोक्स जो भी कर लीजिए वो लगाएंगे आप DBPST में, ठीक है। अब बात देखते हैं एजुकेशन डॉक्यूमेंट में क्या मांगा गया है। यहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट सर्टिफिकेट के साथ आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेजेटेड ऑफिसर के साइन दोनों जगह होने चाहिए। मतलब यहाँ पे आपको मैं शॉर्ट इन शॉर्ट में बता देता हूँ, जितने भी आप डॉक्यूमेंट ले जाएंगे कार्बन कॉपी मतलब या कह लीजिए जेरोक्स, ठीक है, वहाँ पे गेजेटेड ऑफिसर के साइन 100% करा लीजिएगा, ठीक है। अभी तक नहीं कराए जिनका नाम आ चुका है वो हम अभी जाके तुरंत करा लेंगे सबसे पहले काम, ठीक है। फिर यहाँ डोमिसाइल में भी देख सकते हैं आपको, यहाँ पे ओरिजिनल के साथ यहाँ पे दो दो फोटोकॉपी भी ले जानी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट अलोंग इट्स फोटो कॉपी गेजेटेड अटैच्ड बाय द गेजेटेड ऑफिसर। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया रखे गए थे जो एडवर्टीजमेंट के टाइम, वो उस कैटेगरी के अंदर आपके जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैं, चाहे SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे जनरल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, ठीक है। फिर एक्स सर्विस मैन वालों के क्या करना होगा, ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए, NOC होनी चाहिए, और वो भी फोटो कॉपी के साथ होनी चाहिए, ठीक है। उस पर भी गेजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रीडम फाइटर के साथ क्या होना चाहिए, मतलब फ्रीडम फाइटर के सर्टिफिकेट में क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन प्रेजेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट अलोंग इट्स विद इट्स इज फोटो कॉपी एज बाय द गजेटेड ऑफिसर। तो हम बता दिया शॉर्ट में कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे सब में गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर होने बहुत ही जरूरी है। 100% आपने ये काम नहीं कराया तो आपको DBPST से भगा दिया जाएगा, ये मान लीजिए कि आपको वहाँ से तुरंत भगा दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मैं इन शॉर्ट में बता देता हूँ, वीडियो अच्छे लगे तो अभी लाइक करना और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कर देना, क्योंकि हमारे चैनल से ही आपको 100% ऑथेंटिक ही न्यूज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे कुछ नहीं अपने मन से जो भी डॉक्यूमेंट बना दे, ये आप देख सकते हैं आपके
यूपीएससी में भी यही चीज़ आएगी, इसीलिए मैंने बताया। ठीक है, आप देख सकते हैं और क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं यहाँ पे। अगर डोमिसाइल हैं आप यूपी के तो आपको क्या लगाना होगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ उसकी फोटो कॉपी करानी होगी। एक फोटो कॉपी बोला गया है, लेकिन जितने भी आपकी डॉक्यूमेंट है उसकी मिनिमम 2 या 3 कॉपीज करा के आप गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर करा लीजिए। बाई चांस एक खराब हो जाती तो आप दूसरी तो दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट के आप इंप्लॉय हैं तो आपको वो भी सर्टिफिकेट दिखाना होगा जो प्रिस्क्राइब होगा आपके एडवर्टीजमेंट के टाइप। फिर यहाँ पे होम गार्ड सर्विस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल के साथ, सर्टिफिकेट ओरिजिनल के साथ यहाँ पे फोटो कॉपी भी होनी चाहिए और गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर भी होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राथमिक योग्यता दस्तावेज में भी आपको क्या ले जाना होगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं वो लेवल अगर आपने किया, अगर आप यहाँ पे टेरिटरी अर्मेड सर्टिफिकेट है आपके पास या नेशनल कॉप्स मतलब एनसीसी का भी सर्टिफिकेट है तो आप देख सकते हैं उनका भी ओरिजिनल के साथ फोटो कॉपी होनी चाहिए, वो भी गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर के साथ होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा जो भी यहाँ पे आपको बताया गया डॉक्यूमेंट वो आपको सारे ऑथेंटिक हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पे जो भी एडमिट कार्ड आए थे उन्हीं के बेस पर आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे यही डॉक्यूमेंट आपको ले जाना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात इन शॉर्ट आप सभी को बता दें कि आपकी जो भी यहाँ पे कार्बन कॉपी लगाएंगे उसमें आपको यहाँ पे गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर जरूर होंगे। ठीक है, सिग्नेचर नहीं होंगे तो आपको वहां से तुरंत भगा दिया जाएगा। तो आप इस बात को बुरा ना मानिए कि मैंने ये बोल दिया भगा दिया जाएगा, लेकिन आप ये मान लीजिए कि आपको यहाँ पे गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर कराने होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने वीडियो सबसे पहले आपको बताया कि आपको क्या क्या कराना होगा। अभी तक किसी ने यूट्यूब में ऐसे नहीं बताया होगा कि आपके गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर होने चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा दिल से अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में जितना भी है जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उस पर शेयर कर देना और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।